गुड आफ्टरनून। तो मैं डॉक्टर विनय बंसल हूँ पंजाब से। मैंने MBBS किया हुआ है, तो पहले काफ़ी टाइम तक मैं MBBS के बाद प्रैक्टिस करता था, लोगों की दिक्कतों को इवेल्यूएट करता था, ठीक करता था। आजकल मैं स्टेट सिविल सर्विसेज में हूँ और रेवेन्यू की दिक्कतों को इवेल्यूएट करता हूँ और ठीक करने की कोशिश करता हूँ। तो थैंक यू। ये एक बी इसमें है, तो मेरा टॉपिक है बीइंग स्मार्ट विद रेवेन्यू मैनेजमेंट। तो बी इसका क्या रोल है, ये अगली स्लाइड में हम देखते हैं। तो एक ये स्लाइड में मैंने जो हमारा रेवेन्यू सिस्टम है और सिटीजन्स है और हमारा गवर्नमेंट एक्सचेकर है, उसमें क्या रिलेशनशिप है, उसको एक सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन इसकी बनाई है। तो लाइक सिटीजन्स आर लाइक फ्लावर्स, एंड जो हमारा रेवेन्यू जो हमने कलेक्ट करके डालना है वो यहाँ पे हमने एक बिहाइव में डालना है, और ये जो रेवेन्यू सिस्टम हमारा है या रेवेन्यू ऑफिसर हैं उनके लिए ये एक सिंबल है एक बी। तो बी का ये काम है कि या फ्लावर से नेक्टर लेके या टैक्स कलेक्ट करके हमारे रेवेन्यू सिस्टम में डालना है। तो बट इसमें हमारी जो सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत आती है टेक्निकल जो है, तो ये है लेफर्स का। तो लेफर्स का हमें बताती है कि टैक्सेशन, ये इस चीज का एनालिसिस है कि टैक्स रेट कितना होना चाहिए। लाइक अगर टैक्स रेट बहुत कम होगा, लाइक अगर इस ग्राफ के हम इस साइड पे आएंगे तो भी जो रेवेन्यू है कलेक्शन कम हो जाएगी, और अगर हम टैक्स रेट बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तब भी कलेक्शन कम हो जाएगी क्योंकि इवेजन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो जो ऑप्टिमल टैक्स रेट है वो कितना होना चाहिए, ये किसी भी रेवेन्यू सिस्टम के लिए चैलेंज है। और जब हम लैंड रेवेन्यू की बात करते हैं, जिसके बारे में जिस डिपार्टमेंट से मैं हूँ या जिसके बारे में हम बात करने लगे हैं स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन, तो वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो इसलिए सब स्टेट की जो टैक्स रेट है GST के जैसे एक जैसी नहीं है, वो सबकी अलग अलग टैक्स रेट है। और अगर हम एक एनालिसिस देखें, क्योंकि प्रॉपर्टी जो है सिर्फ एक नेसेसिटी ही नहीं, एक इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी उसको खरीदा जाता है, बेचा जाता है, तो अगर कहीं भी हम और इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका एक कंपैरिजन है स्लाइड में। प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में हमें 5 से लेकर 8% तक, और मेरे को पता चला राजस्थान में तो इवन 10% तक जो है टैक्स लगता है। अगर इसके कंपैरिजन में कोई कहीं और इन्वेस्टमेंट करता है, तो इक्विटी मार्केट में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट सिर्फ 0.1% है। GST में भी अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो 3% GST लगता है गोल्ड में, और ऐसे में अगर बैंक में हम FD करवाते हैं या कोई और इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत मिनिमल जो है टैक्सेस होते हैं। तो इसलिए एक यहाँ पे लोगों के लिए रहता है कि वो प्रॉपर्टी जब खरीदते हैं तो उसकी टाइमली रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, और मोस्टली हमने जो हमारे लाइक अप्रूव्ड कॉलोनीज हैं उनको हमारे पंजाब में जैसे 3 बार वो एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं बिना उसकी रजिस्ट्रेशन करवाए हुए, तो वो मोस्टली रजिस्ट्रेशन को स्किप करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इतने टैक्सेस वो क्यों देंगे जब उन्होंने वो प्रॉपर्टी थोड़े टाइम के लिए ही रखी है। इसके आगे मैं आपको एक केस स्टडी, हमारा रिसेंटली हमने पंजाब में जो टैक्स रेट थे एक टेम्परेरी पीरियड के लिए 4 महीने के लिए, उसके जो टैक्स की परसेंटेज थी वो 2.25 नीचे की थी। तो उसमें जो डाटा निकल के आया वो फिगर इस डाटा में आपके साथ शेयर हो रही है। तो एज कंपेरिजन टू ईयर 2022 में इन 4 महीनों में मार्च अप्रैल मई एंड जून, इसमें जो रिसीट आई इन करोड़ एंड नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अगर हम दोनों की तरफ देखें तो दोनों में ही इंक्रीज हुआ। 78% मार्च में इंक्रीज हुआ रिसीट में, और 35% इंक्रीज हुआ टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स में। तो ऐसे ही अप्रैल मई जून और ये चारों मंथ्स में हमने डॉक्यूमेंट्स भी ज्यादा रजिस्टर हुए और कलेक्शन भी ज्यादा हुए, क्योंकि जो लोग रजिस्ट्रेशन पहले नहीं करवा रहे थे वो सब लोग फटाफट आगे इसमें रजिस्ट्रेशन करवाने लग गए। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टेट्स के लिए, हमें वो अपना ऑप्टिमल टैक्सेशन रेट्स को देखना ताकि हमारा टैक्स कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं होना। उसके बाद लैंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कलेक्टर रेट्स, जिसकी सुबह से हरियाणा से भी मैम ने प्रेजेंटेशन दी, तो उस समय भी ऑडियंस से भी ये क्वेश्चन आया था कि कलेक्टर रेट की फिक्सेशन कैसे होती है, तो उसको रैशनलाइज कैसे किया जा सकता है।
तो इसमें हमने कुछ एक्टिविटी की है पंजाब में, तो ये जो आप राइट साइड पे देख रहे हो, तो ये हमने गूगल मैप्स को यूज किया, तो उसकी एक बैकग्राउंड लेयर है जिसमें आपको ये दिख रहा होगा कि बिल्डिंग्स बनी हुई है, और उसके बाद हमने उसके ऊपर ओवरलैप किया हमारी जो मुसाविज होती है कैडेस्ट्रल मैप्स होते हैं। ये जो आप रेड वाली लाइन देख रहे हो ये कैडेस्ट्रल मैप्स की लाइन है, इसमें कसरा नंबर जिसको हम बोलते हैं वो नंबर हमने इसमें डाले हुए ताकि हमें पता चले कि कौन सा कचरा नंबर एग्जैक्टली कहाँ पे फॉल करता है। उसके बाद एक लेयर हमने उठाई, एक और आपको अगर ध्यान से देखेंगे तो छोटी छोटी डॉट्स दिखाई, छोटे छोटे रेक्टेंगल्स यहाँ पे दिखते हैं, ये हमने जो अपने हमारा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट है वहां से हमने ये डाटा लिया जिसमें यूआईडी नंबर लगे हुए हैं, तो कहाँ पे कौन सा घर है, कितनी वो प्रॉपर्टी टैक्स पे कर रहा है, कौन सा कमर्शियल एरिया है, कौन सा रेजिडेंशियल एरिया है, वो यहाँ से निकल के आता है। तो जब हमारे पास तीन लेयर्स हो जाती है, नीचे वाली हमारे पास गूगल की लेयर, सेकंड लेयर जो है अपनी गूगल सैटेलाइट के ऊपर हमने कैडेस्ट्रल मैप्स की लेयर लगा दी, उसके ऊपर हमने यूआई जो हमारे कॉर्पोरेशन से डाटा है उसकी लेयर लगा दी, उसके बाद हमें डिसाइड करना काफी आसान हो जाता है कि हमने कौन सा रेट कहाँ पे रखना है। फिर ये हमने अपनी जो कलर कोडिंग है ये हमने उसके अकॉर्डिंग लिखी है कि नंबर 4 जो 30,000 रेट होगा इसी से, तो ये टोटल मिला के जीआईएस के साथ मैप हो गया। तो इससे एक तो रैशनल तरीके से हम इसको डिटरमिन कर सकते हैं, और सेकेंडली हम इसमें हम इस प्रोसेस में है कि जब हम रजिस्ट्रेशन करें तो उनसे जो भी कोई सेलर है या परचेजर है वो उसमें अपनी जीपीएस लोकेशन भी साथ में डालें, क्योंकि मोस्टली लैंड रजिस्ट्रेशन में क्या होता है लोग जहाँ पे रेट कम होते हैं वो वाला रेट उठा के लगा देते हैं और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं ताकि वो उस टाइप की रीजन ना हो। उसके लिए अगर कलेक्टर रेट्स आपके जीआईएस के साथ मैप्ड होंगे और अच्छे तरह से डिटरमिन्ड होंगे तो इस इवेजन को दूर किया जा सकता है, और इसके और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, डिक्रीजिंग ब्लैक मार्केट, क्योंकि अदरवाइज प्रॉपर्टी में एक पैरेलल मार्केट हमेशा चलती है, क्योंकि मोस्टली कलेक्टर रेट्स जो है फोर्थ टाइम मतलब 1/4 होते हैं मार्केट रेट का, तो जो बाकी एक पैरेलल इकॉनमी जो चल रही होती है उसको हम रोक सकते हैं अगर कलेक्टर रेट मार्केट रेट के पास में होंगे, और साथ में जो क्रेडिट फैसिलिटीज हैं वो भी परचेजर को ज़्यादा मिल सकेगी क्योंकि बैंक्स ने भी जो टाइटल डीड पे प्राइस होता है उसके अकॉर्डिंग ही क्रेडिट देना होगा। उसके बाद अगर रजिस्ट्रेशन का रेट अगर यहाँ पे ठीक होगा तो इसके साथ साथ आपको बाकी टैक्स कलेक्शन जैसे इनकम टैक्स हो गया या बाकी हमारे अदर टैक्सेस हो गए उसमें भी ट्रांसपेरेंसी आएगी और कलेक्शन के उसके वो वैल्यू बढ़ेंगे और करप्शन डिक्रीज होगी, क्योंकि जब रेट्स में डिस्क्रिपेंसी होती हैं तो चाहे वो बाहर डीड राइटर्स हों चाहे कोई ऑफिसर हों तो वो एक स्कोप वहाँ पे रहता है जो कि कलेक्टर रेट अगर मार्केट रेट के पास में आते हैं तो वो स्कोप खत्म हो जाते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट डिस्प्यूट्स मोस्टली लैंड में जब भी कोई हम सबने कुछ ना कुछ परचेज करते किया होगा या करते रहते होंगे तो हम देखते हैं कि जब हम उसमें पहले एक एग्रीमेंट बनता है तो वो एग्रीमेंट में जिसको बयाना बोला जाता है नॉर्मल लैंग्वेज में तो उसमें हम सही प्राइस लिखते हैं उसमें, बट जब रजिस्ट्री करवाते हैं तब हम उसमें कम प्राइस शो किया जाता है, तो इससे डिस्क्रिपेंसी भी क्रिएट होती है और डिस्प्यूट्स भी क्रिएट होते हैं और एक पैरेलल मार्केट जो पैरेलल इकोनॉमी क्रिएट होती है जब कलेक्टर रेट अलाइन नहीं कर रहे होते मार्केट रेट से। तो अगर हम इस तरह की एक्टिविटी कलेक्टर रेट्स को डिसाइड करते टाइम करें तो आई थिंक हम कलेक्टर रेट्स को मार्केट रेट के पास में लेके आ सकते हैं, और जो ये राइज होगा अगर मान लीजिए कि कलेक्टर रेट्स डबल कर देते हैं मार्केट रेट से तो वही बेनिफिट लोगों को हम ओवरऑल जो हमारा टोटल स्टैंप ड्यूटी है या रजिस्ट्रेशन फीस है उसको कम करके ताकि जो इसका बर्डन है वो सिटीजन पे ना पड़े, ओवरऑल जो कलेक्शन है वो हमारी सेम रहे और इस तरह की माल प्रैक्टिसेस है वो खत्म। उसके बाद टैक्सेशन की रेट के बाद नेक्स्ट जो है एक करप्शन इन द सिस्टम। आई थिंक हमने एक चीज है जो हम कल से शायद हमने इतनी एड्रेस नहीं कर पाए हैं, तो एक करप्शन बहुत बड़ा हमारा पार्ट है सिस्टम का। ये नीचे मैंने एक कोट लिखी हुई सॉरी, तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी ने 1985 में ऑन रिकॉर्ड कहा था कि जब भी गवर्नमेंट एक रुपए भेजती है तो वो सिटीजन के पास सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं। तो अगर हम इसका उल्टा भी देखें, अगर सिटीजन कोई अपनी जेब से कुछ पे करता है स्पेशली इन द लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम, तो चाहे वो
डीन राइटर्स के लेवल पे हो चाहे कहीं भी हो, एक करप्शन एक उसका है, तो वो कहीं ना कहीं मिडल में रह जाते हैं और गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच सकते। तो इसको दूर करने के लिए हमने हमारे गवर्नमेंट जो पंजाब में गवर्नमेंट है स्पेशली वो करप्शन पे बहुत इसको सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करने के लिए हमने इनिशिएटिव लिए हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा इनिशिएटिव है हमारे पास एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप नंबर है जो कोई भी करप्शन से रिलेटेड कंप्लेंट्स को सिटीजन वहां पे डाल सकता है। तो इसके पीछे पूरा बैकएंड पे हमने मैकेनिज्म बनाया हुआ है उसको कैसे डिटेक्ट करना है, कैसे उसको प्रोसेस करना है। तो सिर्फ एक व्हाट्सएप की कंप्लेंट वीडियो ऑडियो कुछ भी वो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कहीं भी अगर कुछ ऐसी डिमांड आती है, अगर कोई भी पटवारी से लेके कहीं भी सीनियर ऑफिसर तक कोई डिमांड करता है या कोई प्राइवेट प्लेयर्स कोई बाहर वाले एजेंट्स डिमांड करते हैं किसी ऑफिसर के नाम पे, तो उसकी एक वीडियो बना के या ऑडियो पे अगर फोन पे भी बात है तो वो व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं। और ये बड़ा एक पैटर्न साबित हुआ है। उसके बाद हमने जो सारी स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड फीस है वो सब ऑनलाइन पे होती है, कोई भी कैश कलेक्शन नहीं होती इवन अ सिंगल रुपी। उसके बाद सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, जहां भी मेन लोगों की आना जाना होता है, ऑफिसर्स का बैठना होता है, जो कि अगेन इनकी जो सीसीटीवी की आउटपुट है वो लाइव चलती है, वो जो हमारे चंडीगढ़ में डीसी लेवल पे मतलब हर जगह पे वो लाइव देखी जा सकती है। और ये कैमरा भी बड़े अपने हाईटेक 360 डिग्री कैमरा बनाए हैं जिसको चंडीगढ़ में मतलब स्टेट कैपिटल में बैठ के भी उसको घुमा के देखा जा सकता है। उसके बाद हमने डिस्प्ले बोर्ड लगाए हैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस में बड़े डिटेल इजी लैंग्वेज में, जिसमें सारा प्रोसेस सिटीजन को समझाया गया है ताकि उनको कोई भी किसी पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। और हमारा जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम है वो फुली ऑनलाइन है, अपॉइंटमेंट सिस्टम से लेके सब कुछ। तो तीसरी चीज जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा तो वो ये है कि कई बार सिटीजन टैक्स पे करना चाहता है, रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, बट हमारा सिस्टम इतना ज्यादा खराब होता है कि वो उस सिस्टम का पार्ट नहीं बनना चाहता। उसको यही मुश्किल लगता है कि वो डीड करवाने जाएगा, रजिस्ट्रेशन करवाने जाएगा, वहां पे घंटों बैठना पड़ेगा, उसके बाद में उसका नंबर नहीं आएगा, या फिर उसको डीड नहीं मिलेगी, या फिर डीड मिल जाएगी तो म्यूटेशन नहीं होगा। तो फिर लोग उस प्रैक्टिस को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि डीड बिना करवाए ही वो अपने जो मैनुअल दस्तावेज है या वर्बली है वो ऐसे करते रहते हैं। तो इसको कर्व करने के लिए पिक्टोरियल भी ऐसी है कि अगर आपने नेक्टर लेना भी है तो ये जरूरी नहीं है कि आप उसको डंप करके ही उसमें से नेक्टर निकालो, उसके और भी तरीके हो सकते हैं। तो इसमें हमने जो जैसे डेडिकेटेड रजिस्ट्रेशन ऑफिस हमने बनाए हैं, तो वहाँ पे जहाँ पे अदरवाइज हमारे जो तहसीलदार होते हैं उनको बहुत सारे काम होते हैं तो उनकी अवेलेबिलिटी मुश्किल हो जाती है, बट हमारे जो डेडिकेटेड रजिस्ट्रार ऑफिस हैं उसमें स्लॉट्स मिलते हैं। अगर कोई 10 बजे का स्लॉट लेके आता है तो 10 से 10:15 के बीच में उसका सारा रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस हो जाता है और उसको उसी टाइम पे रजिस्ट्रेशन डेट उसकी मिल जाती है। और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम है, जैसे हम ट्रेन की बुकिंग करते हैं तो वैसे ही बिल्कुल सेम सिस्टम है ट्रेन की बुकिंग जैसा, आपको ऑनलाइन जाना है अपनी अपना स्लॉट बुक करना है। और इवन अगर इसमें जैसे हमारे ट्रेन में तत्काल की फैसिलिटी होती है, अगर आप किसी रीजन से वो मिस कर जाते हैं तो तत्काल में एक्स्ट्रा 5,000 रुपीज देके आप वो अपना तत्काल वाला स्लॉट बुक कर सकते हैं। उसके बाद अगेन ऑटोमेटिक म्यूटेशन एंट्री है। और हमारा जो स्वामित्व स्कीम जो हमारा लाल लोहरा के अंदर का रिकॉर्ड बनाने की प्रोसेस है, उसका भी कंप्लीट जो रिकॉर्ड है, जैसे हरियाणा से मैम ने भी बताया, तो पंजाब में भी सिमिलर लाइंस के ऊपर हम जो भी रिकॉर्ड बन रहा है उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं साथ में अपने म्यूटेशन सिस्टम के साथ, और साथ ही साथ वो ताकि उसमें कोई म्यूटेशन भी हो रही है ताकि सिटीजन को किसी टाइप की कोई भी दिक्कत ना आए। तो ये मेरी छोटी सी प्रेजेंटेशन थी इससे रिलेटेड। और लास्ट में एक मैं अपना ये समिट के रिगार्डिंग छोटी सी कविता अपनी लिखी हुई मैं पढ़नी चाहूंगा। तो सब जो यहाँ पे प्रेजेंट है उनके लिए, अरोड़ा सर और पाठक सर की स्पीच सुनकर जोश आ गया, अरोड़ा सर और पाठक सर की स्पीच सुनकर जोश आ गया, राजस्थान की मेजबानी से माहौल और खुशनुमा गया। एक से बढ़कर एक यहां स्पीकर आए हैं, एक से बढ़कर एक यहां स्पीकर आए हैं, रेवेन्यू बढ़ाने के सब तरीके लाए हैं। और पिछली लाइन के लिए जो बैठे हुए हैं, दिल्ली गेट्स की भूमिका भी कुछ कम नहीं, दिल्ली गेट्स की भूमिका भी कुछ कम नहीं, ई लेट्स की टीम जितना और किसी में दम नहीं।
इस समिट से सीख हम भी अपना रेवेन्यू बढ़ाएंगे और फिर अगले समिट के लिए आप सबको पंजाब बुलाएंगे। थैंक यू।